ओके चीयर्स. पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी कम रेट्स पे अराउंड 70% लेस रेट पे जेनरिक मेडिसिन सर जेनरिक मेडिसिन. और देखिए अभी मैं आपको एक आइटम दिखा देती हूँ इसमें ओ फ्लॉक्स है सर. दिस कॉस्ट ओनली 12 रुपीज. पब्लिक इम्पोर्टेंस क्वालिटी इज एश्योर्ड. मैम आप हिंदी में बात करते हैं. क्वालिटी बहुत कम है मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेट्स बहुत कम है. रेट्स बहुत कम है. इट्स क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट. मार्केट में इसकी प्राइस क्या होगा? इसकी 50 रुपीज भी है, 60 रुपीज भी है, 100 हम कोई डिस्काउंट रेट पे नहीं देते हैं बिकॉज हमारे रेट्स डिस्काउंटेड है रेगुलेटरी है एंड फ्रॉम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस उनके लिए आयुष्मान भारत के पेशेंट्स विद गोल्ड कार्ड उनको भी यहाँ से दे विल अवेल द बेनिफिट्स. उनके पास ऑलरेडी 5 लाख तक तो लिमिट है. आज आप यहाँ पे आपने इनॉग्रेशन भी की, लगता है कि कुछ अनोखा सा है. नहीं अनोखा बिल्कुल नहीं है. लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता नहीं है क्या चीज़ है. अगर आप देखेंगे हमारे बचपन में दवाइयाँ जो थी वो काफ़ी सस्ती हुआ करती थी. ग्रेजुअली दवाइयों की कीमत में बहुत इजाफा हुआ, इतना इजाफा हुआ कि आसमान को छूने लगी दवाइयों की कीमत और ये आउट ऑफ रीच चली गई. कुछ ऐसे तबके सोसाइटी में हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये इनिशिएटिव लिया, ये जन औषधि जो प्रोग्राम इन्होंने चालू किया, प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किया, एक फुल फ्लज्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पर दवाइयाँ जो भी मार्केट में ब्रांडेड अवेलेबल होती हैं उसके बराबर की क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन, यानी कि मैं इस तरह समझाऊंगा आसानी से कि दवाइयाँ जो भी हैं उनका मरकब एक सॉल्ट का होता है, कुछ सॉल्ट्स का होता है. जैसे हम क्रोसिन ले लें या सिप्रोफ्लॉक्सिन ले लें या मॉक्सिलिन ले लें, ये कुछ खास इंग्रेडिएंट्स का बना होता है. और उसके बाद जब ये दवाइयाँ किसी कंपनी में बनती हैं तो उनके अपने खर्चे होते हैं, कंपनी की एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं, कंपनी के ओवरहेड्स होते हैं, बाकी चीज़ें हैं. तब जाके ये जब मार्केट में दवाई तब आती है जब इसको प्रमोट करने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है. जो एजेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह, उनकी तनख्वाहें, फिर पैकिंग की तनख्वाहें, फिर उसको पेटेंट वगैरह करने की जो खर्चे आते हैं, तो बढ़ के अगर कोई चीज़ 1 रुपये की होती है तो कस्टमर एंड पे पहुंच के इसकी एंड यूज़र के पास पहुंच के इसका कई गुना इजाफा, मैं वो उतना नहीं जानता हूँ कितना होता है लेकिन इतना मालूम है कि कई गुना इजाफा होता है जिसकी वजह से ये आउट ऑफ रीच चला जाता है इंसान के. तो ये जो दवाइयाँ हैं इनमें वही सॉर्ट्स होते हैं और ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर बनते हैं और हाई क्वालिटी चेकअप्स होते हैं इसमें. और उसके बाद इसको जब बनाते हैं तो इसको मार्केट में भेज देते हैं. बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई कंपनी का ओवरहेड नहीं है, पैकिंग का इतना ख़र्चा नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो बाज़ार में दवाई 100 रुपये की मिलेगी, शायद मुझे लगता है कि ये जो जन औषधि की दवाइयाँ हैं वो 10 रुपये में वही दवाई मिलेगी, 10 रुपये में वही पता मिलेगा. इससे क्या है कि ये प्रोग्राम जो है वो जो एजुकेटेड क्लास है या मिडिल क्लास है उन लोगों को पता है और उसका फ़ायदा उठाते हैं. ज़रूरत इस बात की है एज अ मीडिया पर्सन मैं इस प्रोग्राम के साथ इसलिए जुड़ा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ग्रास रूट लेवल पे गरीब लोग हैं जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको फ़ायदा पहुँचे. इसके अलावा आपको मैं एक और बात बताऊँगा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं वो भी इनके पास अवेलेबल हैं. और ये जो एनहेंसमेंट कर रहे हैं और भी सर्जिकल आइटम्स वगैरह वगैरह पूरा जो फार्मास्यूटिकल का एक शोभा है इसको ये एनहेंस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे कई तरह की प्रेवलेंट बीमारियाँ हैं जो कि आपको पता ही होगा कि शुगर है, जो गैस्ट्राइट्स है, ब्लड शुगर ये है, हाइपरटेंशन है. तो जो समाज का एक बहुत बड़ा तबका और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला है जिनको हमेशा दवाइयों की ज़रूरत रहती है. और मेरे ख्याल से उनके लिए ये प्रोग्राम जो है जो बहुत ही उम्दा है. और इसके अलावा मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया. इनाम साहब इसके साथ जुड़े हैं, इस तहरीक के साथ. इसके अलावा जो अलबर्ट ग्रुप है फार्मास्यूटिकल्स का, उन्होंने एक फ्री मेडिकल कैंप इसलिए रखा हुआ है, डॉक्टर भी रखा हुआ है, या मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ देंगे ताकि
सैंपलिंग की ज़रूरत ना पड़े। ये जो जन औषधि प्रोग्राम का एक इनका एक ये है, सिस्टम है, रूल है कि ये आपको सैंपल जो पेशेंट है वो ये लेने के लिए कि पता नहीं सस्ती दवा है या असर करेगी कि नहीं करेगी, तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं अलवर ग्रुप के, तो उन्होंने ये फ्री मेडिकल कैंप रखा हुआ है। यहाँ पे मरीज़ों को इलाज भी मिलेगा, इसके साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ भी मिलेंगी और मरीज़ को ख़ुद पता चल जाएगा कि ये दवाइयाँ भी उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं जितनी वो दवाइयाँ हैं। जी सर, ये क्लियर कीजिए कि ये दवाइयाँ इन्होंने रखी है, इसके अलावा क्या टेस्ट वगैरह की सहूलियात बहम है इसमें? नहीं, इसमें टेस्ट वगैरह की सहूलियात बहम नहीं है, लेकिन मैं इनसे बात करूँगा कि वक्तन फवक्तन इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसके लिए भी ये कभी कभी गरीब लोगों के खास तबके के लिए इंतज़ाम करें। ये बताइए